अस्सलामुअलैकुम प्यारे बाज़, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे बाज़, आज हम हमसायों की शादी में आए हुए हैं। तो क्योंकि ये शादी तो मेरे भैया से पहले थी, तो इन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी शादी आ गई है, तो इन्होंने 2-3 दिन आगे रख दी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी भी शुरू हो चुकी है, लाइटें वगैरह भी लग चुकी हैं। तो ये हम शाम को आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, इसलिए तो हम आपको आज जो जिस हमसायों के घर हम शादी में आए हुए हैं तो उनके पूरे घर का विज़िट कराते हैं। उनके जानवर भी हैं माशाल्लाह से, और बाहर इनकी प्लेटें भी लगी हुई हैं। तो फिर चलते हैं मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर घरे से होंगे। आप जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारी बात, आज हम हमसायों की शादी पर आए हुए हैं। तो आज देख सकते हैं फातिमा ने भी तैयारी की हुई है, मैंने भी, फातिमा ने ये झुके वाली जैकेट पहनी हुई है। ये पहले मामू की शादी पे भी पहनी थी, फिर इसने ना रख दी थी। इसने कहा था क्योंकि इसे पता था ना हमसायों की शादी भी आने वाली है, तो इसीलिए इसने आज पहन कर आई है। और सुबह को भी जब इनका वलीमा होगा तो फिर ये दूसरी पहन कर आएगी। और तो ये देखे जिनके यहाँ शादी है ना, उनके बच्चे भी वहाँ साहब इकट्ठे होकर आए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने तैयारी वगैरह नहीं की हुई। थोड़ी देर के बाद ये तैयारी वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि ये दुल्हन को मेहंदी लगा, प्यारे बस क्योंकि शाम होगी तो फिर ये दुल्हन को मेहंदी लगाने जाएंगे। अगर हो सके तो हम भी जाएंगे, देखेंगे उस टाइम। तो अभी हम चलते हैं अंदर, दूल्हे का कमरा जो सजा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या क्या वो लेकर आए हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। आज हम हमसायों की शादी पे आए हैं। आज आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो कल मैं एक दूसरा फ्रॉक पहन के आऊंगी वलीमे पर। तो हाँ, अभी चलते हैं। दूल्हा के कमरे में पहुँच चुके हैं हम। जहाँ से आए थे ना कमरे में, तो बच्चे भी साथ हमारे आ गए हैं जी। तो अभी ना इन्होंने तैयारी वगैरह नहीं की हुई ना, तो ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो पहली बार जो हमें ऐसे देख रहे हैं ना, तो इसलिए तो पहले बात आप देख सकते हैं ये दूल्हे का कमरा है, क्योंकि अभी अभी तो शादी शुरू हुई है, तो अभी ये इन्होंने सब सेटअप नहीं किया हुआ, अभी कर रहे हैं सेटअप। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद ये सारा सेटअप भी हो जाएगा। वलीमा तो कल है। तो ये देखिए जो ऊपर से जो सेज का सामान आया हुआ है, और ये देखिए ये बेड है, उन्होंने अभी तक सेट भी नहीं किया, ऐसे अंदर रखा हुआ है, इसको काबले लगा कर सेट करना पड़ेगा। और ये शीशा है आईना, और ये अलमारी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी अलमारी है। और ये मशीन है जो कपड़े धोने वाली, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। और जो वो दो सामान पड़े हैं ना, वो दुल्हन के पास जब जाएंगे शाम को मेहंदी लगाने के लिए, तो वो साथ लेके जाएंगे। जैसे हम भैया की शादी के गए थे दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए, हमने भी वैसे के थालियां ली थी और सामान लिया था, तो इन्होंने भी वैसे लिया। और माशाल्लाह से इनका भी ये सारा सामान बहुत ही प्यारा है। और जैसे ये कमरा पूरा सज जाएगा तो और भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगेगा। अल्लाह ताला इनको नसीब करे, और इनकी खुशियों को भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुशियां दे और नसीब करे। तो अभी ना हम बाहर चलते हैं और बाहर का व्लॉग भी दिखाते हैं। और माशाल्लाह से इनका किचन भी बहुत अच्छा है, छोटा सा है, और बाहर के जो जानवर हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह से काफी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, क्योंकि ये तो शाम को आप लोगों को देखें जब ये जल रही होगी, अभी तो धूप है ना, इसलिए तो शाम को जब ये होगी तो आप लोग। तो अभी ना ये बच्चे क्या कह रहे हो, क्योंकि अभी ना इनके घर मेहमान थोड़े से आए हुए हैं, तो शाम को आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा मेहमान नहीं आए, क्योंकि मेहंदी की रस्म शाम को है ना, इसलिए तो शाम को मेहमान भी इनके काफी सारे आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं, आओ बच्चों बाहर चले। तो तुमने कमीज नहीं पहनी, क्योंकि इनका घर ना आगे से बना हुआ है और फिर पीछे से इनका जानवरों का भाड़ा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं वहाँ से आई थी, वहाँ से दरवाज़ा भी है और यहाँ से गेट भी लगा हुआ है बाहर जानवरों के लिए आने जाने के लिए। और माशाल्लाह से इनके जानवर बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको नसीब करे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा छोटा सा रिक्शा भी रखा हुआ है जानवरों के लिए, खास बाहर से चारा लेने के लिए जाते हैं। और ये टोके वाली मशीन भी यहाँ है, और ये भी मेरे ख्याल में बिजली के साथ चलती है, और बाहर प्लेटें लगाई हुई हैं ना, उनके साथ भी चलती है। और इनके यहाँ छोटे छोटे और खरगोश भी हैं, वो तो अभी हम आए हैं, नए नए आए हैं ना, तो वो छुप गए हैं। और यहाँ काफ़ी सारी इनकी छोटी मुर्गियाँ भी हैं, और यहाँ ऊपर से इन्होंने काफ़ी सारे कबूतर भी रखे हुए हैं, तो फिर वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी ना उनके ऊपर हैं, कभी शेप बेटा जाएगा ना आप लोगों को जरूर दिखाएगा। अभी हम बाहर चलते हैं जहाँ इन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये 16 प्लेटर्स के साथ वो
ट्यूबवेल चल रही है, मौसम से ठंडा ठंडा पानी है, सब बच्चे ना ये देखे यहाँ पानी भी पी रहे हैं। और जो मैं इसको उठाया क्योंकि इनकी आदत है ना जहाँ पे नहाने की, और ये कह रहा है मुझे छोड़ दो मैं अभी नहाने जाता हूँ। ऐसे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको ना दोनों से भी दिखाती हूँ जहाँ 16 प्लेट लगी हुई है। और ये देखो ये छोटा सा बच्चा है और अपनी गाय को लेकर आ रहा है, डरता भी नहीं, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे ऐसे होते हैं जो देखो डरते बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और गले में इसने हार भी पहना हुआ है। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? उधर बांधने लेकर जा रहा हूँ कह रहा है। और ये उन्होंने लकड़ियाँ भी मंगवा के रख दी हैं देवी पकने के लिए, मगर इनके यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलत है। ये देखे साथ में इनका ट्यूबवेल भी चल रहा है और जो भी काम करेंगे जल्दी भी काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कल ना ये आज शाम को तो मेहंदी की रस्म है, मतलब मेहंदी की नहीं मेहंदी की, पहले ये दूल्हे को मेहंदी लगाएंगे उसके बाद फिर दुल्हन को लगाने जाएंगे, और कल फिर बारात भी जाएगी सुबह सुबह, और फिर 4 बजे वलीमा भी होगा। दोनों साइड अब इकट्ठे हैं तो कल बारात भी जाएगी और वलीमा भी होगा। उसके कह रही है फातिमा कह रही है मुझे दो ये, मैं इसको उठाती हूँ। वैसे ये बहुत ही गरीब है, जो भी उठाता है उसके पास चला जाता है। तो अभी ना मैं उधर चल के आपको दिखाती हूँ, ये मच्छरों वाला तालाब भी बनाया हुआ है। आओ साथ में आओ। तो प्यारे बाज़ आप देख सकते हैं ये मच्छरों वाला तालाब है। इन्होंने तो हमें कितनी बार कहा है कि आप ना अगर मच्छियाँ पकड़ना चाहें तो पकड़ लें। शुहेब बेटे को भी कहा है और कितनी बार, मतलब कि शुहेब बेटा ना डरता है, मैंने तो इससे कहा है कि आप पकड़ लें, मगर ये कहता है मैं अकेले कैसे पकड़ूँ। और मेरे शोहर भी घर नहीं करते, उसे भी टाइम नहीं मिलता अब। तो फिर किसी दिन हम पकड़ेंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। बस ये देखिए बच्चे ने अभी नहाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी ये प्यार करेंगे ना मेहंदी की, तो इसीलिए ये सब नहा रहे हैं। ये बच्चे अब नहा रहे हैं तो ये मेहंदी की अब तैयारी शुरू करेंगे ना, तो इसलिए तो आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि व्लॉग बनाने की। कल इंशाल्लाह फिर बारात भी होगी और साथ में वलीमा भी होगा, तो वो भी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।